हेलो प्यारे बच्चों, हेलो भाइयों। अभी जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रीजनिंग पार्ट टू लेके आए हैं। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में एक दिन हमारा वीडियो नहीं आ पाया, और आई होप डेली के डेली वीडियोज़ आएंगे, डेली हम वीडियो डालेंगे। और अपनी मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ क्लास 9th-10th की, और जल्द ही आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जोन पे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, और आपको डेली अपडेट्स नए नए वीडियोस नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते रहेंगे। हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं भाइयों। हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी थे हमने पढ़े, कि लेफ़्ट किधर आएगा, राइट किधर आएगा, कितनी बार लेफ़्ट घूमने पर राइट आएगा, और कितनी बार राइट घूमने पर लेफ़्ट आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं, उनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में हम आज एक अपने पार्ट टू सीरीज लेके आए हैं, और देख उसमें हम आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और उसके बाद अगर इसमें क्लियर हो जाता है तो ठीक है, ना ये एक पार्ट और आएगा रीजनिंग का। कल डायरेक्शन हम पार्ट 3 में अच्छे से कवर करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, और जो फाइनल हमारी सीरीज आएगी उसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर किसी को डाउट है मेरे भाइयों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें अपने आप में। अगर किसी भी मेरे भाई को प्रॉब्लम हो रही है कोई चीज़ समझने में, तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम हेडिंग बनाते हैं अपना डायरेक्शन पार्ट 2। हेडिंग है हमारी डायरेक्शन डायरेक्शन पार्ट 2। आप बच्चों को, आप लोगों को आने वाले समय में बहुत सारे पेपर्स आए हैं, सारे के सारे पेपर्स में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और थोड़ा सा समझने की बात होती है, और हमारा एक अच्छा एक या दो क्वेश्चन रीजनिंग के जितने भी इस सेक्शन से बनते हैं वेरी इजीली क्लियर हो जाएंगे, और हमारे नंबर स्कोर होंगे। तो हमको अपनी एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और चलना भी चाहिए, जिससे हम जो क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में पहले आ रहे हैं उनको पहले सॉल्व करें, और जिनमें लग रहा है कि टाइम लगेगा उसको लास्ट के लिए छोड़ दें, क्योंकि टाइम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इस बात को भी ध्यान रख के, इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के, नए नए तरीके से अच्छे ढंग से किसी भी क्वेश्चन को कैसे टैकल आउट करना है, हमको कैसे करना है, इस बात पे हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाइयों। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि मैंने थ्योरी नेक्स्ट पहले वाले पार्ट में पढ़ा दिया था पार्ट 1 में, आज एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है कि यदि पूर्व से दक्षिण, यदि पूर्व को, ठीक है इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इफ ईस्ट को, ईस्ट इज सेट टू, ईस्ट इज सेट टू बी साउथ, साउथ देन व्हाट विल वी से वेस्ट डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी सेज वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, बोर्ड को अपने दो पार्ट में कर लेते हैं, जिससे एक साथ हम 3 से 4 क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लें। बड़ा बोर्ड है हमारा, अच्छा है। तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पूर्व को दक्षिण कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे, यदि पूर्व को हम दक्षिण कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे। कोई बात नहीं मेरे भाई, हम सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
सोलूशन लिखेंगे, और सोलूशन जब हम लिखेंगे तो हम अपना एक डायरेक्शन मैप बना लेंगे। डायरेक्शन मैप बना लेंगे इस तरीके से, हम जानते हैं कि ये ईस्ट होता है, क्या होता है मेरे भाई, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है, क्या होता है, वेस्ट होता है, पश्चिम होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये हमारा साउथ होता है। ठीक है, क्या होता है, ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। आप अभी बार मैग्नेट या नीडल में देखेंगे या मैप डायरेक्शन में लेके देखेंगे तो हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डायरेक्शन को पता करते हैं कि नीडल का अगर किस फेस में है और कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मान लीजिए क्या पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आए, यदि पूर्व को दक्षिण कहें, यदि पूर्व को हम क्या कहें, एक छोटा सा और बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से हम बना लें और छोटे में हम लिखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन को कि पूर्व को दक्षिण कहें, इसको पूर्व को हम क्या कहें, ये पूर्व है, ईस्ट है, तो इसको हम दक्षिण कहें, क्या कहें, दक्षिण कहेंगे। तो हम वेस्ट को क्या कहेंगे, वेस्ट को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, वेस्ट को हम साउथ कहेंगे, वेस्ट को हम क्या कहेंगे, दक्षिण कहें, तो ये हमारा दक्षिण, यहाँ पे दक्षिण कहेंगे। प्रश्नांश है, यदि पूर्व को हम दक्षिण कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे, यदि पूर्व को हम क्या कह दें, दक्षिण कह दें, पूर्व को हम दक्षिण कह दें तो पश्चिम को क्या कहेंगे। ठीक है, तो पश्चिम को हम क्या कहेंगे, तो पश्चिम को हम क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई, पश्चिम हमारा नॉर्थ में चला जाएगा। ठीक है, एक क्लॉक वाइज मूवमेंट हो रहा है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूरब को हम दक्षिण कह दें, पूरब को हम दक्षिण कह दें, उठा के क्या कह दें, दक्षिण कह देते हैं उठा के पूरब दिशा को, तो पूरब दिशा हमारी यहाँ चली जाएगी, यहाँ हमारी पूरब हो जाएगी, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज नहीं है। ठीक है, तो दक्षिण है तो पूरब दिशा हमारी यहाँ चली जाएगी, तो उत्तर दिशा हमारी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन हमारा कहाँ, पश्चिम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, अब जो एक्चुअल मैप है उसके साथ हम इसको कंपेयर कर लेंगे, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो अब देखिए पूरब की जगह पे दक्षिण हमने कर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। तो अगर पूरब की तरह पूरब को हम दक्षिण कह दें, क्या कह दें मेरे भाई, पूरब को दक्षिण कह दें, तो पूरब इस तरफ घूम जाएगा, पूरब हो जाएगा यहाँ पे। जब पूरब यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई, तो ये नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, ये नॉर्थ है डायरेक्शन, तो नॉर्थ हमारा यहाँ आ गया, और यहाँ के बाद वेस्ट हमारा साउथ में, यहाँ साउथ में चला गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पश्चिम को हम क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, हम वेस्ट को नॉर्थ कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की चीज़ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पूर्व को दक्षिण कहें, यदि पूर्व को हम दक्षिण कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, पूर्व को दक्षिण कहते हैं, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम को हम क्या कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में हम आते हैं। एक हमने एक मैप बना लिया, ये मैप हमने पढ़ा भी है, देखा भी है प्रीवियस वीडियो में अपने। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर पूर्व को हम दक्षिण कह दें, पूरब को क्या कह दें मेरे भाई, दक्षिण यहाँ पे है, तो पूरब की जगह पे दक्षिण आ जा रहा है, तो पूरब ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दक्षिण देखिए मेरे भाई, दक्षिण किधर जा रहा है, इस तरीके इस तरफ जा रहा है, दक्षिण जो यहाँ था यहाँ चला गया, यहाँ पे दक्षिण इस तरफ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, देन पूरब जो है इस तरीके से इधर आ जाएगा मेरे भाई। ये क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जो इसके नीडल्स हैं अगर मान लेते हैं वाइस, तो ये मूवमेंट कर रही हैं, ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं। ओके, तो ईस्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ नॉर्थ था पहले, यहाँ क्या था मेरे भाई, यहाँ नॉर्थ था, नॉर्थ उठ के वेस्ट के डायरेक्शन में चला जाएगा, किसके डायरेक्शन में चला जाएगा, वेस्ट के डायरेक्शन में चला जाएगा, इसलिए पश्चिम को हम उत्तर मानेंगे। ठीक है मेरे भाई, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की बात है। और एक और आपको बहुत सरल मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही सरल मेथड बता रहा हूँ, उसको अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि सर क्या बात है, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है मेरे भाई,
अब इस मैप में आप देखिए, इस मैप में हम देखेंगे तो कल मैं एक चीज़ आपको बताया था कि जो इसके एंगल आप बाइसेक्टर होते थे वो 90 डिग्री के होते थे, 90 डिग्री पे एंगल बाइसेक्ट होता था। क्या होता था मेरे भाई, एंगल हमारा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता था। तो अब एक चीज़ देखिए, पूर्व में ये ईस्ट है हमारा, ईस्ट में अगर हम 90 ऐड कर दे रहे हैं तो हम ऊपर चले जा रहे हैं, और लेफ्ट राइट डायरेक्शन में चलते इस तरीके से आते हैं हम, तो माइनस करना पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के यहाँ हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आ जाते हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार इस डबल सी है, ठीक है। हम क्वेश्चन के अनुसार अपने आते हैं कि अगर हमारा क्या कहा जाए, यदि क्या कहा जाए बेटा, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि यदि ईस्ट को साउथ कह दिया जाए, साउथ को ईस्ट कहा जाए, क्या कहा जाए, साउथ को ईस्ट कहा जाए, यदि दक्षिण को पूरब कह दिया जाए, तो दक्षिण हमारा कहाँ पे है, ये है, इसको पूरब मान लीजिए, दक्षिण को हमने पूरब मान लिया। एक्चुअल में दक्षिण तो ये है ना मेरे भाई, दक्षिण ये है, तो इसको हमने पूरब मान लिया, पूरब की जगह पे हम दक्षिण लिख दिए, ठीक है। तो पूरब कहाँ चला गया, नॉर्थ के पोजीशन पे, सॉरी। तो अब देखिए, पूरब में हम क्या कर दें मेरे भाई, पूरब में अगर हम 90 डिग्री से ऐड कर दें, ये मान लेते हैं हमारा पूर्व है, क्या है, पूरब है, ठीक है, ये पूर्व है, पूर्व में हम 90 ऐड कर दें, ठीक है, 90 ऐड कर देंगे हम, हमारा तो क्या आ जाएगा, पूर्व में अगर हम 90 ऐड कर दें, दक्षिण में अगर हम, ईस्ट में अगर हम 90 डिग्री को ऐड कर दें मेरे भाई, अगर 90 डिग्री को हम इधर ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है बेटा, दक्षिण आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और पश्चिम में अगर हम, अब क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिम में क्या करें, पश्चिम को किस डायरेक्शन में आएगा, पश्चिम मेरा क्या है मेरे भाई, वेस्ट ए है, और इसमें अगर हम 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएंगे अपने, किस में आ जाएंगे मेरे भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ 90 डिग्री ऐड कर दिए हम, 90 डिग्री को ऐड कर दिए तो हमारा उत्तर आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, उत्तर डायरेक्शन आ गया, और उत्तर एक्चुअल में उत्तर है, ठीक है, उत्तर डायरेक्शन एक्चुअल में उत्तर है, आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो एक मिनट, एक मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था, इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, जो आपको ज़्यादा समझ में आए उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब बढ़ते हैं हम अपने इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस सीरीज की हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहें, क्या कहें मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि दक्षिण को, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, ठीक है, कह रहा है कि यदि दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहें, क्या कहें मेरे भाई, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहें, तो बतलाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए कुल कितने डिग्री का कोण बनाया गया, तथा एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए कुल कितने। अब तू पूछ रहा है मेरे भाई कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और सेम क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछ रहा है मेरे भाई कि इफ़ वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं मेरे भाई, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो कितने डिग्री एंगल बनेगा। ओके, यही क्वेश्चन है। यदि दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहें मेरे भाई, यदि दक्षिण को हम दक्षिण पूर्व कहें, ठीक है, यदि दक्षिण को, अब देखो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं अपना,
वन सेकेंड बच्चों, हम यहाँ पे अपना सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सोल्यूशन लिखते हैं। एक हम क्लॉक बना लेते हैं भाई, क्लॉक की बात है। इस तरीके से हमारा डायरेक्शन डिवाइड हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया। वॉच में भी माने तो 12 बज गए, यहाँ पे 6 बज गए, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण कहाँ है, दक्षिण को दक्षिण पूर्व। अब इसके इसके बीच का कोई एंगल होगा दक्षिण पूर्व, ये हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट होगा, यही ना हमारा साउथ ईस्ट होगा, ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया, ये एंगल हमारा साउथ ईस्ट हो गया। तो मेरे भाई कह रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री का बन जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मेरी इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। अब देखिए इधर से हम आएंगे तो 90 डिग्री बना, कितना बचना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे भाई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम यहाँ से लें तो ये पूरा सेक्शन मेरे भाई, ये पूरा सेक्शन एक 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है मेरे भाई? ये पूरा पूरा सेक्शन एक हमारा 90 डिग्री का है मेरे भाई। तो बीच से बाइसेक्ट कर जा रहा है तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि बीच से बाइसेक्ट कर रहा है तो 45 डिग्री का हो जाएगा मेरे भाई। कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे भाई? 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अब आप देखिए घड़ी की सुई कैसे चलती है, इधर से ऐसे 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 चलती है, लेकिन मुझको स्टार्ट तो दक्षिण पूर्व से करना है ना मेरे भाई। यहाँ से तो हमें 12 बजे से तो स्टार्ट नहीं करना है, हमें तो स्टार्ट इस पॉइंट से करना है मेरे भाई। स्टार्ट जब हमें इस पॉइंट से करना है तो अब आप काउंट कर लीजिए इसको। अगर हम यहाँ क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलते हैं तो 90 डिग्री आपका एक हो जाएगा, ये सेक्शन हो गया, ये पूरा पूरा 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, और एक सेक्शन मेरे भाई कितना बचा? 45 डिग्री का। ये तो हमारा क्लॉक में हुआ। इतना डिग्री बन गया। अब मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बनेगा? अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी जो क्लॉकवाइज में इस तरीके से मूवमेंट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूवमेंट होता है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये हमारा क्लॉक, तो मीन्स ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एंटी क्लॉकवाइज में कितने डायरेक्शन बनेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में कितने डिग्री का एंगल बनेगा मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अब मुझको शुरू यहीं से करना है। कहाँ से शुरू करना है मेरे भाई? अब एक क्वेश्चन, अभी मैं आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर आप चाहे तो 3 बार राइट चलिए या 1 बार लेफ्ट चल दीजिए, बात वही होती है। आप 3 बार राइट चलिए या 1 बार लेफ्ट चल दीजिए, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, आप 3 बार राइट चलिए या 1 बार लेफ्ट चल दीजिए, बात क्या हो जाएगी हमारी? बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में क्या बन जाएगा ये एंगल। यहाँ से हमको स्टार्ट ही करना है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये मूवमेंट होगा इस तरीके से मेरे भाई, तो देखिए यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू किए थे, अपना इधर गए थे इस तरीके से, फिर घूम के हम यहाँ आए थे, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? हमको तो शुरू यहीं से करना है कहानी कुल मिला के। कहानी कहाँ से शुरू करना है? यहीं से शुरू करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल कितने का बन जाएगा? ओनली एंड ओनली ये एंगल हमारा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के में यहीं से हम चल रहे हैं तो यहाँ पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। एक फार्मूला भी हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर 3 बार राइट चल जाते हैं हम, इफ 3 टाइम्स हम राइट चलते हैं और 1 टाइम लेफ्ट चलते हैं तो इक्वल होता है।
यहाँ पे हम 3 टाइम राइट चल चुके हैं ऑलरेडी और 1 टाइम लेफ्ट चल जाएंगे। लेफ्ट में कितना 45 डिग्री तो इधर हमारा हो ही गया था और बचा था 45 डिग्री। 360 में 45 डिग्री माइनस करिए, ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, तो 45 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे भाई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इस पार्ट में आई होप मैं 7 से 8 क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज लाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक की सीरीज लाएंगे, इसी में नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके हम भी आ सकें, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का नुकसान हो। आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हैं जहाँ पे जिन एग्ज़ाम्स में इससे इस टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से 3 बार दाएं 2 बार बाएं, कोई एक ह्यूमन बींग है, कोई एक व्यक्ति है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कोई भी व्यक्ति है, मानते हैं ये प्यारा सा एक व्यक्ति है, ठीक है, एक एक व्यक्ति है, ठीक है, सोनू मोनू गोलू जो भी नाम रखना है रख लीजिए, मैं तो रसगुल्ला नाम रख रखा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए रसगुल्ला जी हैं, क्या हैं, रसगुल्ला जी हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी प्रारंभिक स्थिति से, मान लीजिए अपना इनका ये प्रारंभिक स्थिति है, रेस्ट पोजीशन में है। यहाँ क्या है मेरे बच्चे, ये रेस्ट पोजीशन में है, बढ़िया आराम से बैठे हैं मिठाई की दुकान में, ठीक है। अब यहाँ से चलना प्रारंभ किए अपनी, ये तो इनकी इनिशियल स्टेप हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, जो रेस्ट में है तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई। तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 3 बार चलते हैं, ठीक है, तो चलते हैं मेरे बच्चे, तो 3 बार जो है ये राइट में मूवमेंट कर जाते हैं। अब यहाँ से ये मूवमेंट करना इस डायरेक्शन में मान लीजिए शुरू किए, तो ये बेचारे रसगुल्ला जी 3 बार राइट में मूवमेंट कर गए, क्या कर गए, 3 बार राइट में मूवमेंट कर गए मेरे भैया, 2 बार लेफ्ट में मूवमेंट कर गए, क्या मूवमेंट कर गए, 2 बार लेफ्ट में मूवमेंट कर गए, फिर 1 बार राइट में बेचारे घूम जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर 2 बार लेफ्ट में घूम जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यदि उनकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो, मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में इनिशियल डायरेक्शन उनका कितना है, इनिशियल डायरेक्शन इनकी कितना है, इनिशियल डायरेक्शन इनका है नॉर्थ, इनिशियल डायरेक्शन इनका नॉर्थ है, प्रारंभिक दिशा इनकी उत्तर है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, उत्तर है, प्रारंभिक दिशा इनकी उत्तर है, ठीक है। तो इस समय वह किस दिशा में होगा, तो पूछा है, तो इतना घूम टहर के इस समय रसगुल्ला जी किस दिशा में होंगे, दिशा में होंगे, ये क्वेश्चन है मेरे भैया। तो अब एक चीज बताइए मेरे भाई कि अगर कोई बंदा कोई भी एक पोजीशन से चलता है और थोड़ी देर मान लीजिए 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर घूमता है फिर उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो डिस्टेंस तो उसने कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 हो गया ना मेरे भाई, कि जहाँ से चला वहीं पे आके रुक गया, जहाँ से प्रारंभ किया आप चलना वहीं पे आके रुक गया बेचारा, जब वहीं पे बेचारा आके रुक गया तो इसकी इनिशियल कंडीशन क्या हुई मेरे भाई, 0 हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं क्वेश्चंस को, क्या करते हैं मेरे भाई इक्वेट करते हैं इस क्वेश्चंस को। अब देखिए मेरे भैया, 2 बार वो लेफ्ट में चल रहा है और 3 बार राइट में इधर चल रहा है, 1 बार राइट में इधर चल रहा है,
तो इसको लिखेंगे 3R+R, लेफ्ट को लेफ्ट में काउंट करेंगे, राइट को राइट में काउंट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये 2L है प्लस 2L है, ठीक है, ये 4R हो गया मेरे भाई, और इधर कितना हो गया, 4L हो गया। जब हम आपको पढ़ा रहे थे कल तो बताए थे 4R=0, और ये भी बताए थे कि 4L=0, क्योंकि मेरे भैया, क्योंकि मान लेते हैं एक एक घड़ी है इस तरीके से, सेक्शन डिवाइड हैं, यहाँ पे प्यारा 12 बज रहा है रात में, इस समय 1 बज रहे होंगे, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ही सबके लिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। मान लीजिए हमारे रसगुल्ला भैया यहाँ पे हैं, तो बेचारे रसगुल्ला भैया यहाँ से घूमे तो 3 बजे आ गए, 3 पर आ गए, फिर यहाँ से हमारे भैया का मन नहीं लगा, कहे अरे यार ठीक नहीं है, पोजीशन अच्छी नहीं है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने अंदर, और इम्प्रूवमेंट किए तो 6 पे आ गए, फिर भी थोड़ी देर टिके रहे, फिर इनको लगा अरे यार डू समथिंग डिफरेंट, क्या इनको लगा मेरे भाई कि डू समथिंग डिफरेंट। तो जब इनके मन में ऐसा ख्याल आया कि डू समथिंग डिफरेंट, तो ये रसगुल्ला भैया हमारे 9 पे आ गए मूवमेंट करके। मेरे भाई 9 पे रहे, लेकिन अब देखिए एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि जितना मिलता है उसको उसको कम ही लगा रहता है, क्या होता है कम ही लगा रहता है। आई और मी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आत्मा और स्वयं वाला कंडीशन होता है, कि स्वयं की इच्छा तो बहुत होती है जो मिल जाए उससे ज़्यादा। यही हाल हुआ मेरे भाई साहब का, और भाई साहब पुनः 12 बजे पर आ गए, तो मेरे भैया जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए। क्या हुआ, जहाँ से चले थे बेचारे वहीं पे आ गए। अब ये आके बड़ा खुश होते हैं कि अरे आज मैंने 10 किलोमीटर जो है पैदल रनिंग कर लिया। कितना कर लिया, 10 किलोमीटर पैदल रनिंग कर लिया। लेकिन मेरे भाई जब इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो भाई डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन तो हमने सबने यही पढ़ी है कि हमारा जो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है उस वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो जहाँ से भैया हमारे इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जहाँ से मेरे भाई रसगुल्ला जी चले वहीं पे आ गए। इसलिए चाहे वो राइट मुड़ जाए 4 बार और चाहे वो 4 बार लेफ्ट मुड़ जाए, दोनों की वैल्यू 0 होती है। अतः मेरे भाई साहब ने 0 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, और डिस्टेंस तो उन्होंने अच्छी खासी कवर ही की, ठीक मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपने। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे भाई। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से कोशिश रहेगी कि 7 क्वेश्चन हम आपको लेके आए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता अच्छे से, एडिट करना भी होता है। अभी थोड़ी देर बाद ये वीडियो अभी डायरेक्ट यूट्यूब पे आपको मिलेगी। हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट जोन, हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट जोन, इस नाम से हमारी कोचिंग भी है, इस नाम से हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, कोचिंग भी है। दिन में क्लासेस होते हैं और रात में हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं मेरे भाई। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें,
इसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपके बीच लेके आएँ और एक अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करें जिससे आपको समझ में आए। बुकें तो सबके पास होती हैं, अगर बुक पढ़ के कोई महान बन गया होता आज तक तो हर कोई मार्केट में बुक खरीदता और पढ़ के बहुत बड़ा महान। बुक कैसे पढ़ी जाए ये तो लोगों को पता नहीं होता, इसी को पता करने के लिए हम कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूलों में जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम अपने। कि एक बार एक व्यक्ति है, मानते हैं कोई एक व्यक्ति है, कुछ भी मान लीजिए व्यक्ति का नाम जो आपको अच्छा लगे, राम मोहन सोहन कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेते हैं। तो कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति बेचारा 5 बार कोई मानते हैं एक ह्यूमन बीइंग है, ये मान लेते हैं कोई ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी मान लीजिए, मानते हैं इनका बेचारा का नाम क है, क्या है क है, नहीं तो किसी का नाम ले लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे सर हमारा नाम लेके मजाक बनाते हैं, इसलिए किसी का नाम आजकल लेना अच्छा नहीं है, खतरों से खाली नहीं है, धमकियां मिलने लगेंगी, इससे अच्छा क ले लेते हैं, क तो किसी का नाम होगा नहीं। ठीक है, एक अब बोल रहा है कि बेचारे क अपने घर से चलते हैं तो 5 बार लेफ्ट मुड़ जाते हैं, ये बेचारे चलते हैं तो 5 टाइम लेफ्ट की ओर मुड़ गए, सॉरी हाँ लेफ्ट मुड़ गए, और 7 बार राइट मुड़े, बताइए कितना दूर जा रहे हैं ये, और 3 बार फिर लेफ्ट मुड़ जाते हैं, 3 टाइम फिर से लेफ्ट मुड़ गए, घूम गए, तो स्वयं को दक्षिण दिशा में पाते हैं। तो बेचारे किस दिशा में पाते हैं अपने को, दक्षिण दिशा में पाते हैं, क्योंकि ये कुंभ के मेले में गुम हो गए थे, दक्षिण की दिशा में अपने आप को पाते हैं। कुंभ की मेला में कोई गुम हुआ है, कुंभ के मेला में कोई गुम हुआ है अभी तक? हम तो नहीं हुए भाई, क्योंकि हम यहीं के हैं और कहाँ गुम होके जाएंगे। ठीक है, तो उनकी प्रारंभिक, तो उनकी इनिशियल कंडीशन पूछा है मेरे भाई, तो उनकी इनिशियल डायरेक्शन पूछा है मेरे भाई, कि पहले सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मान लीजिए क नाम के कोई व्यक्ति थे, अपने घर से कुंभ मेला देखने निकले, अपने रूम से रूम लेके मान लीजिए अल्लाहपुर सलोरी में कहीं भी रह रहे हैं, तो अपने घर से कुंभ मेला देखने निकले, घूमने निकले, तो 5 बार लेफ्ट में घूम गए और 7 बार राइट में घूम गए, फिर 2 बार फिर लेफ्ट में घूम गए, क्योंकि इनको अपना प्लेस मिल नहीं रहा था। तो अब ये बताया जा रहा है कि जब वो 3री बार लेफ्ट में मुड़े तो दक्षिण दिशा की ओर खड़े थे, उनका डायरेक्शन क्या था मेरे भाई, दक्षिण की ओर वो खड़े थे मुँह करके अपना बेचारे का। तो अब किसी ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा अरे यार हम कुंभ में इस जगह पे जा रहे थे तो अब संगम ही हमें नहीं मिल रहा है, कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये बताइए अभी तक आपने किस किस डायरेक्शन में मूवमेंट किया। कहीं भैया घर से निकले तो 5 बार लेफ्ट मुड़ गए, 7 बार राइट मुड़ गए और 3 बार फिर लेफ्ट मुड़ के यहाँ खड़े हैं, तो ऐसा करिए आप हमारी इनिशियल पोजिशन बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं बेचारे, 5 बार लेफ्ट मुड़े हैं और कितनी बार लेफ्ट मुड़े हैं, 3 बार लेफ्ट मुड़े हैं और 7 ही बार केवल राइट मुड़े, 7 टाइम राइट मुड़ गए, तो 5 3 8 टाइम लेफ्ट मुड़े हैं और 7 टाइम राइट मेरे भाई ने टर्न किया है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए मेरे भाई, यहाँ पे एक समझने की बात है कि अगर आप डायरेक्शन का मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको 2-3 नियम बताए थे इसके सॉल्व करने के। तो एक कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई कि अगर हम इसको क्या कर दें,
फोर एल प्लस फोर एल कर दें तो ये आठ ही आएगा, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। और सेवन को क्या कर दें मेरे भाई, सेवन को हम कर देते हैं फोर आर प्लस थ्री आर, क्या कर दिए मेरे भाई, फोर आर प्लस थ्री आर। और मैंने आपको बताया था कि रसगुल्ला वाली कहानी में कि आप जहाँ से चले वहीं आ जाएं तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, ये वैल्यू हमारी जीरो हो गई, ये भी वैल्यू हमारी जीरो हो गई और ये भी वैल्यू हमारी जीरो हो गई, ठीक है। बचे हमारे प्लस तीन आर। अब वो तीन बार राइट की वैल्यू अगर हम बता दें तो हम उनका डायरेक्शन पता कर लेते हैं कि रसगुल्ला भैया हमारे कहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ हमने और देखा था, क्या देखा था मेरे भाई, एक चीज़ हमने और देखा था कि अगर तीन बार कोई राइट में टर्न हो जाए या एक बार लेफ्ट में टर्न हो जाए, बात क्या होती है, बराबराई, ठीक है, बात हो जाती है बराबर, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में होता है कि अगर कोई बंदा फोर बार लेफ्ट में मुड़ जाए और एक बार राइट में मुड़ जाए, और या तो कोई थ्री बार राइट में मुड़ जाए, वन टाइम लेफ्ट में मुड़ जाए, कुल मिला के हो जाएगा सेम, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप देखिए कि उनकी प्रारंभिक दिशा क्या थी, वो अपने आप को दक्षिण दिशा में पा रहे हैं, किस दिशा में पा रहे हैं, दक्षिण दिशा में पा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक हम यहाँ पे मैप बना लेते हैं समझने के लिए, पूरब पश्चिम, ये हुआ उत्तर और ये हुआ दक्षिण। अब बेचारे जब लास्ट पोजीशन में भैया हमारे कम मिले थे तो दक्षिण दिशा में थे, तो अब दक्षिण दिशा से तीन बार राइट जाइए, यहाँ आएंगे तब भी पश्चिम में ही आएंगे, और या तो यहाँ से एक बार सीधा सीधा ऐसे धमाक से घूम जाइए लेफ्ट, तब भी आप कहाँ आएंगे, यहाँ से इसे जब हम घूम जाएंगे तो हम आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे मेरे भाई, एक राइट दो राइट तीन राइट मुड़ गए हम यहाँ से, तो यहाँ से हम आ गए पश्चिम में, कहाँ पर आ गए, पश्चिम में, तो हमारा आंसर पश्चिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, हंसी मजाक के साथ अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों को क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर, और सेवन क्वेश्चन टू एट क्वेश्चन हमें इस सीरीज में करना है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, कोई देखेगा भी नहीं और कहेगा कि बहुत लंबा है, ठीक है। कुल मिला के आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो मैंने पढ़ाया है उसी पे अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अलग नहीं है, एक पॉइंट भी अलग नहीं है, बेसिक है, एकदम बेसिक है, हलवा है एकदम, रीजनिंग मीन्स हलवा होता है, कुछ तो होता नहीं है रीजनिंग में, यही रीजनिंग हमको सी सेट पास नहीं करने देती, रूंग देती है, कहती है कि जनाब जीएस तो बहुत तैयार कर लिए, आइए थोड़ा हमारे दरबार में, फिर जब हम लोग इनके दरबार में जाते हैं तो फिर फंसा लेते हैं वहीं पे, रुक जाते हैं, इतना मोहनी मंत्र है इसमें कि बस देखते ही रह जाते हैं। अब हम आते हैं भैया हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री फोर हो गए थे, क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स की यहीं पे सॉल्व करते हैं, उम्मीद रहेगी कि क्वेश्चन नंबर एट तक हम जाएं। अब क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए एक व्यक्ति मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा। अब देखिए कोई एक व्यक्ति है, मानते हैं ये व्यक्ति है, ठीक है, एक हाथ इनका इधर है एक हाथ इधर है, ऐसे हैं एक व्यक्ति, क्या है, एक व्यक्ति है, पश्चिम दिशा की ओर इनका फेस है, दिशा की ओर फेस है, पश्चिम दिशा की ओर इनका फेस है, पश्चिम दिशा की ओर चेहरा किए हुए पश्चिम दिशा की ओर चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम, ये हुए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है,
व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा? ठीक है मेरे भैया, कह रहा है कि कोई बंदा है, मान लेते हैं इनका नाम क्या मान ले, कुछ भी मान लीजिए, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। तो ये बेचारे पश्चिम दिशा की ओर चेहरा किए हुए हैं, तो बताइए कि उत्तर दिशा में अगर ये अपना फेस करते हैं तो कौन से क्रम में करेंगे? कोई बात नहीं, हम आते हैं चकास सोल्यूशन में। क्या आते हैं? हम अपना सोल्यूशन चेक करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक दिशा पश्चिम और अंतिम दिशा उत्तर दिया है। क्या दिया है सोल्यूशन में? प्रारंभिक दिशा इनकी दिया है, प्रारंभिक दिशा दिया है पश्चिम। ठीक है मेरे भैया, और अंतिम दिशा दिया है अंतिम दिशा में उत्तर दिया है। क्या दिया है? उत्तर दिया है। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे आंसर हम इस कंडीशन में हम क्या करते हैं मेरा भाई, जो मुझे आंसर दिया होता है उसी को देखते हैं। जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आ जाएगा तो जहाँ से चले हैं वहीं घुस जाएंगे, जहाँ से हम चले हैं वहीं घुस जाएंगे हम। तो इनमें चार आंसर दिया है, चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन कैसे चार दिए हैं मेरे भाई? ये है पहला लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब इसको जांच लीजिए आप, एक लेफ्ट से एक राइट घूम कट गया, फिर एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, फिर एक लेफ्ट से एक राइट जो है कैंसिल आ गया, जीरो हो गया, मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे में आ जाइए, दूसरा भी जस्ट इसका अपोजिट है, वो भी कट जाएगा। उसमें क्या दिया है? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब देखिए, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, फिर एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है मेरे भाई? तीसरा ऑप्शन दिया है एल आर, एल आर, और थ्री टाइम एल एल। इसको हम चेक कर लेते हैं, एल आर से कैंसिल, एल आर से ये कैंसिल, उसके बाद थ्री एल दिया है। थ्री बार लेफ्ट मुड़िए या एक बार राइट मुड़िए, बात बराबर हो जाती है। तो आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए, अगर वो प्रारंभिक दिशा पश्चिम की ओर है, यहाँ मैप भी बना लीजिए साथ में इसको चेक करने के लिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए, प्रारंभिक दिशा पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है ना? प्रारंभिक दिशा में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, और एक बार राइट, तीन बार लेफ्ट मुड़ा दीजिए इनको, एक दो तीन, ठीक, लेफ्ट जाएं, एक दूसरा लेफ्ट और एक तीसरा लेफ्ट, यहाँ जाए, ठीक। और एक ऑप्शन और दिया है कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और थ्री बार। ओके, ये सब कैंसिल हो गए, थ्री आर बराबर एल। अब देखिए, ये भी मिला लीजिए, तीन बार राइट घुमा दीजिए प्रारंभिक दिशा से, प्रारंभिक दिशा से तीन बार हम इनको राइट घुमा देते हैं, ठीक है, एक बार घूम गए राइट,
दो। अब देखिए प्रारंभिक दिशा से इनके, ये प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा से एक बार राइट घुमा दिए, दोबारा राइट घुमा दिए, तिबारा राइट घुमा दिए, और चाहे यहाँ से एक बार लेफ्ट घुमा दिए, बात बराबर इसी पॉइंट पे आ जाए। तो मतलब वो कौन सी दिशा होगी उनकी, दक्षिण दिशा। आंसर कौन सा होगा, दक्षिण दिशा होगा। आज इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं पार्ट थ्री में। पार्ट थ्री में कुछ इस सीरीज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज दोनों को सॉल्व करेंगे। अभी शैडो से रिलेटेड एक टॉपिक बचा है, उसके बाद कम से कम दो तीन क्वेश्चन मिसलेनियस के लेंगे और सॉल्व करके अपना को इस चैप्टर को एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, जिससे हम भी अच्छे से अच्छे अच्छा से अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, आप सभी मेरे फ्रेंड्स दोस्त मित्र भाई जो भी हैं सब।